राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी काम। तो दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। तो तुलसी इस संसार में और सबसे मिलिए धाम, ए न जाने किस बेश में मेरो नारायण राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, बोलो जय रघुनंदन जय सियाराम जान तारे, दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे, ओ
सुनो रे राम कहानी, से रामायण का एक बहुत ही सुंदर प्रसंग याद आता है कि जब प्रभु श्री राम रावण का वध करके अवध में वापस आए थे और उस वक्त उनका राज्याभिषेक हो रहा होता है, तब माता जानकी हनुमान से प्रसन्न होकर उन्हें एक मोतियों की माला भेंट देती है। लेकिन हनुमान क्या करते हैं, उस माला का एक एक मोती अपने दांतों से तोड़कर बिखेर देते हैं। ये देखकर मैया सीता को बड़ा ही दुख होता है और वो कहती है, हे हनुमान, मैंने बड़े ही प्रेम से तुम्हें ये मूर्तियों की माला भेंट दी थी, किंतु तुमने मेरी भेंट की कोई कदर नहीं की और उसे यूं ही तोड़कर बिखेर दिया। तब देखिए हनुमान जी बहुत ही सुंदर जवाब देते हैं। वो कहते हैं, हे मैया, आप बुरा न माने, लेकिन जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि हे हनुमान, जहाँ प्रभु श्री राम नहीं वहाँ तेरा कोई काम नहीं। तो हे माता, मैं तो इस मोती की माला में मेरे प्रभु श्री राम और मैया सीता को ढूंढ रहा था। अब आप ही बताइए, आपके और रघुवर के बिना ये माला मेरे किस काम की। और देखिए भक्तों की सदियों से परीक्षा होती आई है और उस वक्त भी भरे दरबार में कोई हनुमान से मजाक करता है कि हे हनुमान, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो तो क्या तुम्हारे भीतर तुम्हारे खुद के हृदय में प्रभु श्री राम और मैया सीता बसे हुए हैं। और देखिए इतना सुनते ही हनुमान जी ने एक क्षण की भी देरी किए बिना अपनी छाती चीर के दिखा दिया है कि उनके हृदय में प्रभु श्री राम और मैया सीता साक्षात बसे हुए हैं। और इस दृश्य को देखकर बस यही कहने को जी चाहता है, चीर के देखे दिल मेरा तो, चीर के देखे दिल मेरा तो, राम तेरा नाम लिखा रखा है, प्रभु तेरा नाम लिखा रखा है। और इस दिल में तेरा नाम लिखा रखा है, प्रभु तेरा नाम लिखा रखा है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चल वेश भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके, चल वेश भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके, उस जनक पुत्र सीता को छल से ले गया रावण हर के, उस राम पत्र सीता को छल से ले गया रावण हर के, बड़ा दुख पाए
राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान। देखिए ये रचना रामायण के उस प्रसंग का वर्णन करती है कि जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज करते हुए गुरुमुख पर्वत के नीचे आकर खड़े होते हैं और देखिए इस तरफ सुग्रीव को पता चलता है कि पर्वतों के नीचे दो राजकुमार भटक रहे हैं जिनके कांधों पर धनुष है मस्तक पर तेज है क्षत्रियों जैसा बाहुबल है किंतु तपस्वियों जैसा वेश है। ये सुनकर सुग्रीव मन में घबराते हैं और सोचते हैं कि कहीं बाली ने तो उन्हें नहीं भेजा है मुझे मारने के लिए। और तब वो अपने परम बुद्धिशाली गुप्तचर हनुमान को प्रभु श्री राम की जासूसी करने के लिए भेजते हैं और तब हनुमान ब्राह्मण का वेश धर के प्रभु श्री राम के सामने आते हैं किंतु रघुराई हनुमान को तुरंत पहचान लेते हैं और बस इतना ही कहते हैं कि आ गए हनुमान। और तब हनुमान जी को ज्ञान होता है कि साक्षात रघुनंदन राम उनके सामने खड़े हैं और वो रघुवर के चरणों में गिर पड़ते हैं। रामायण का यह पहला प्रसंग है जब प्रभु श्री राम और हनुमान का मिलन हुआ है। हनुमान ने युगों तक प्रभु श्री राम से मिलन के लिए प्रतीक्षा की है और आज मिलन की वो शुभ घड़ी आई है। और तब संकट मोचन हनुमान पहले ही मुलाकात में प्रभु श्री राम और लखन के संकट को दूर करते हुए उन्हें अपने कांधों पर बिठाकर वानर राव सुग्रीव के पास गुरुमुख पर्वत की ओर ले चलते हैं। और इस प्रसंग का वर्णन तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में किया है। ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान। कांधे पर दो वीर बिठा के चले वीर हनुमान हो कांधे पर दो वीर बिठा के चले वीर हनुमान। राम लखन के काज सवारे पवन पुत्र बलवान सिया राम के काज सुधारे अंजन पुत्र महान राम लखन के काज सवारे पवन पुत्र बलवान सिया राम के काज सवारे अंजन पुत्र महान ओ कांधे पर दो वीर बिठा के चले वीर राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम।
कभी तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी काम, तो दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को,